assalamu alaikum my dear students hope you all are fine and safe we are going to read our second topic of this chapter that is safety and first aid okay this is the second chapter of your book and we are going to start our second topic of this chapter okay so this this is the safety at school how we can keep ourselves safe at school हम अपने अपने आप को कैसे कैसे प्रोटेक्ट कर सके स्कूल में मतलब सेफ से कैसे रख सके ठीक है सो देर आर वेरियस वेज टू कीप आवर सेल्व सेफ सेफ फ्रॉम हार्मफुल थिंग्स सेफ फ्रॉम इंजरी एट स्कूल सो देर आर फ्यू रूल्स दैट वी शुड फॉलो आवर सेल्व वी शुड फॉलो टू कीप आवर सेल्व सेफ एट स्कूल ओके वेन वी आर गोइंग टू स्कूल वेन एवर वी गो टू स्कूल वी आर गोइंग फ्रॉम बस है ना हम बस से जाते हैं सो बिफोर गोइंग टू द बस पहले जब हम बस में चढ़ते हैं तो हमें क्या करना चाहिए हमें पहले बस पूरी तरीके से रुकनी चाहिए देन वी शुड गो इन टू द बस ठीक है सो so, uh, जब हम अब स्कूल पहुंचे वेन एवर वी रीच टू स्कूल अब हम स्कूल पहुंचे वी हैव टू गो नाउ इन द क्लास रूम्स okay so where what we have to do there we should keep the things whatever we have uh, with uh, with us bags bottles or anything else we should keep that things in their proper places okay and we should not keep them on the floor we should keep them in their proper places because why we should keep them in their proper places because if anybody will वॉक नियर uh, अगर वहां से कोई निकला ही मे गेट हर्ट उसको वो गिर सकता है उसको लग सकती है क्योंकि उसपे uh, मतलब जब कोई चीज आगे होती है तो इंसान गिर सकता है ओके एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट वेनएवर वी आर इन द क्लास रूम वेन एवर देयर इज नो टीचर जब टीचर नहीं होगा क्लासरूम में तो उस टाइम हमें क्लासरूम में क्या करना चाहिए वी शुड नॉट रन हमें दौड़ना नहीं चाहिए हमें कॉरिडोर्स में दौड़ना नहीं चाहिए हमें सीढ़ियों से आराम से नीचे आना चाहिए ओके okay? हमें क्या करना चाहिए हमें जंप नहीं करना चाहिए हमें एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए ओके वी शुड नॉट वी शुड नॉट दिस पुश ईट अदर बिकॉज इफ वी पुश ईट अदर वी मे फॉल एंड वी गेट हर्ट ओके ओके नाउ इफ वी आर मूविंग इन ए ग्रुप वेन एवर वी आर गोइंग फ्रॉम क्लास हम क्लास से कहाँ जा रहे हैं किसमें प्ले ग्राउंड में या ये सुबह मॉर्निंग असम्बली के लिए जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए हमें लाइन में जाए वी शुड वॉक इन ए क्यू हमें लाइन में चलना चाहिए ओके okay? एक तो आप उससे डिसिप्लिन भी रहेगा और कोई गिरेगा भी नहीं ओके देर इज अनदर सेफ्टी रूल दैट्स वी शुड नॉट यूज ब्लेड्स और दीज शार्प थिंग्स टू शार्पन आवर पेंसिल ओके हमें ये इन चीजों की यूज um, नहीं कर, इन चीजों का यूज नहीं करना चाहिए बिकॉज uh, उससे क्या होता है वी कैन कट आवर फिंगर ओके वी गेट इंज्योर्ड हमें दर्द ये जख्म जख्म लग सकता है ठीक है बॉन्ड हो सकता है सो वी शुड वट वी शुड डू वी शुड यूज ओनली शार्पनर्स टू शार्पन आवर पेंसिल इफ वी आर इन अ क्लास रूम अगर हम क्लास रूम में हैं सो समबड़ी गेट हर्ट कभी कोई गिर सकता है कभी कोई किसी को कुछ हो जाता है बीमार हो जाता है देन वट वी शुड डू वी शुड इन्फॉर्म अवर टीचर ओके एंड लास्ट इज दैट इफ वी आर नॉट गोइंग इन अ बस अगर हम बस में नहीं जा रहे हैं अगर हम लोकल जा रहे हैं ठीक है तो हमें क्या करना चाहिए हमें बाहर जब गेट पर हम जाएंगे तो वहां पे कोई स्ट्रेंजर होगा तो हमें उसके साथ नहीं जाना है ठीक है वी शुड नॉट गो अलोन विद अ स्ट्रेंजर क्योंकि वो स्ट्रेंजर जो है उस वो कोई uh, मतलब uh, डाकू हो सकता है कोई uh, मतलब uh, जो बच्चों को अपने साथ ले जाता है वो हो सकता है सो वी शुड वेट फॉर अवर मदर और फॉदर जो हमें लेने आ जाए तब तक हमें किसी स्ट्रेंजर के साथ बाहर नहीं जाना चाहिए सो दिस इज योर एक्सरसाइज यू हैव टू डू दिस यूर सेल्फ देन इज अनदर हियर दैट सेफ्टी वाइल वॉकिंग ऑन द रोड सेफ्टी वाइल वॉकिंग ऑन द रोड सो व एवर वी आर गोइंग आउटसाइड विद एनी वन और अलोन कभी भी हम जब मार्केट में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए हमें वहां पर भी सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाह वी शुड वॉक अलॉन्ग द रोड हमें रोड पे कैसे चलना चाहिए फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वेन एवर वी आर वॉकिंग अलॉन्ग द रोड वी शुड वॉक ओनली ऑन द फुटपाथ हमें रोड के साइड में चलना चाहिए है ना देन इफ वी वॉन्ट टू क्रॉस द रोड अब हमें वो रोड को क्रॉस करना करना है तो हमें कहाँ पे करना चाहिए वी शुड क्रॉस एट द जेब्रा क्रॉसिंग हमें जेब्रा क्रॉसिंग बट यू विल से मैम देयर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग यहां पे तो नहीं है ना बट इन आउटसाइड यहाँ बाहर जब हम जाते हैं वहां पे जेबरा क्रॉसिंग होती है वो एक uh, मतलब एरिया होता है रोड का जो पेंट जो वो जेबरा क्रॉसिंग एक एरिया है दैट इज पेंटेड इन वाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप्स वो वाइट और ब्लैक स्ट्रिप्स में पेंट करके होता है दैट इज कॉल्ड जेबरा क्रॉसिंग एरिया ओके वट वी हैव टू डू वी शुड यूज दैट एरिया अगर अब यहां पर नहीं है इन रोड और इन मार्केट देर इज नो लेबर क्रॉसिंग तो हमें क्या करना चाहिए हमें किसी एल्डर uh, की हेल्प लेनी चाहिए टू क्रॉस द रोड ओके सो हियर नाउ इज दैट वी शुड स्टॉप मस्ट स्टॉप टू क्रॉस द पेडिस्ट्रेन विश टू क्रॉस ठीक है हमें क्या करना चाहिए जब व्हीकल uh, वहां पे जेवरा क्रॉसिंग से निकल रहे होंगे तो उस टाइम जो व्हीकल्स है उनको रुकना पड़ता है क्योंकि उस टाइम वो क्रॉस करते जो क्रॉस करते हैं ना लोग उनको पेडिस्ट्रेन बोलते हैं ठीक है ओके हम क्या करते हैं वी कैन यूज द दैट फुट ब्रिज भी हम यूज करते हैं टू क्रॉस द रोड इससे मतलब इजीली हम वहां से गाड़ियां नहीं होती हैं तो हम इजीली क्रॉस uh, कर पाते हैं ओके okay?

Osionfish. उस टाइम तो आपको वहां पे ग्रीन कलर का सिग्नल होगा टू क्रॉस आपको क्रॉस करना है तो यू हैव टू क्रॉस दैट टाइम अदरवाइज यू कॉन्ट क्रॉस क्योंकि वहां से गाड़ियां चलती होंगी जिस टाइम ग्रीन सिग्नल होगा मतलब वो हमें दिखा रहा है कि आपको इस टाइम क्रॉस करना है तो उस टाइम आपको क्रॉस करना है वरना गाड़ियां नहीं रुकेंगी आप नहीं कर पाओगे क्रॉस ठीक है नाउ इज द फैक्ट दैट दर आर सो मेनी सिग्नल्स ऑन द रोड रोड पे बहुत सारी सिग्नल्स होती है ठीक है कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स होती है जैसे ट्रैफिक सिग्नल में रेड कलर होता है येलो कलर होता है ग्रीन कलर होता है ठीक है रेड कलर मीन्स उस टाइम व्हीकल्स को स्टॉप करते हैं ठीक है येलो कलर मीनस यू व्हीकल्स को बोला जाता है यू हैव टू वेट एंड ग्रीन कलर मीनस यू हैव टू Go okay, but in pedestrian uh, signals, pedestrian signals means uh, that show us you have to walk or not. Okay, in these signals, we have to uh, if there is red color, if there is red color, then that means you have to stop, if there is green color, that means you have to walk. Okay. सो वन मोर सेफ्टी रूल यू शुड फॉलो वाइल वॉकिंग ऑन द रोड दैट यू यू शुड नाट क्रॉस द रोड एट अ करव जहां पर कर्व आ जाए ना किसी गाड़ी मतलब किसी रोड का कर्व आ जाए करव मीनस जहाँ पे आपको ये गाड़ी नहीं दिखती हो जो मतलब न, जहां से गाड़ी ना दिखे उसको हम कर्व बोलते हैं ठीक है मोड़ जैसे आपने देखा होगा जम्मू जाते हैं हम ही कर्व्स होती हैं। तो दैट टाइम इन दैट प्लेस वी शुड नॉट क्रॉस द रोड वी शुड नॉट क्रॉस द रोड क्योंकि आपको जो मोटरसाइकिल या कोई भी व्हीकल जो चलाता होगा गाड़ी जो चलाता होगा उसको आप नहीं दिखोगे तो न गेट हर्ट आपको एक्सीडेंट हो सकता है खुदा ना खासा ठीक है एंड वेन एवर यू आर क्रॉसिंग द रोड वेन एवर यू आर क्रॉसिंग द डोंट रन ऑन द रोड यू कैन यू मे फॉल एंड यू आपको स्लिप हो सकती है आप गिर सकते हो ओके सो दिस वॉज अबाउट द सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड एज वेल ऑज एज वेल एज इन द स्कूल नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल रीड अनदर सेफ्टी रूल्स होप यू गॉट इट फी अमान टेक केयर